देते हैं, दो 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 लाइन। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसको डिस्कवर किसने किया था? कार्ल लैंडस्टाइनर ने। ओके, सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टाइनर एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जीन आई कोड्स फॉर ए गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड क्या होता है? लिपिड। ओके, नो एज आइसो हीम एग्लूटिनो जेन। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जीन आई कोड्स फॉर ए गैंग्लियोसाइड नोन एज आइसोहीम एग्लूटिनोजेन विच इज लोकेटेड ऑन द मैच्योर आरबीसी मेम्ब्रेन। समझ रहे हो? तो जो ये मैच्योर आरबीसी मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, ठीक है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिटी ऑफ द आरबीसी, ठीक है। जीन आई इज फाउंड इन थ्री फॉर्म्स। ओके, तो जीन के फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? एलील्स। ओके, एलील्स। तो जीन आई इज फाउंड इन थ्री फॉर्म्स विच कोड फॉर थ्री टाइप्स ऑफ एंटीजेन्स, ठीक है। तो ये जो एग्लूटिनोजेन को हम लोग एंटीजेन बोलते हैं। एंटीजेन्स क्या होता है? कंपाउंड्स विच कैन जेनरेट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जेनरेटिंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये जो एग्लूटिनोजेन एंटीजेन एक ही बात है, ठीक है। सो जीन आई इज फाउंड इन थ्री फॉर्म्स विच कोड फॉर थ्री टाइप्स ऑफ एंटीजेन्स। ओके, हेंस इट इज ए नॉन मेंडेलियन ट्रेट एंड does not obey Mendelism. तो समझ रहे हो? तो मेंडल ने क्या बोला था? एक जीन का कितना एलील होता है? बोलिए, ये तो आपके टेंथ में था। दो एलील्स होते हैं, बट इसमें कितना है? तीन। तीन, तो इसलिए ये नॉन मेंडेलियन एलील है। ओके, तो जीन आई के सुपरस्क्रिप्ट में ए होता है। ओके, याद रखना, तो मैं यहां नहीं लिख सकता। तो जीन आई ए, इसको आप ब्रैकेट में मैं ए लिख दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। आई बी, ब्रैकेट में मैं बी लिख दूंगा, एंड आई ओ या स्मॉल आई या ओ। ओके, तो आर द थ्री एलील्स ऑफ जीन आई, ठीक है जी। सो इसमें जीन आई ऊपर ए होगा, ऊपर बी होगा, ऊपर ओ होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है। नाउ आउट ऑफ दिस थ्री एलील, तो स्ट्रेंथ ऑफ एलील्स इज इक्वल टू क्या? आई मैं ए लिख देता हूं सीधे, ठीक है।
इज इक्वल टू बी एंड बोथ ऑफ देम आर ग्रेटर देन ओ. अंडरस्टूड? तो ये है स्ट्रेंथ ऑफ एलील्स. तो ए इज इक्वल टू बी एंड बोथ ऑफ देम आर ग्रेटर देन ओ. ठीक है, ये स्ट्रेंथ ऑफ एलील्स है. नाउ तो ये हमारा कंसेप्ट है. नाउ अब आप बताइए कि आपके पास तीन एलील्स हैं बट आपको सिर्फ दो ही मिल सकता है. अंडरस्टूड? सो आउट ऑफ दीज थ्री एलील्स एनी टू आर अवेलेबल टू ऑर्गेनिजम्स या टू पर्संस. व्हाई? बोलिए. बिकॉज क्यों? बोलिए क्यों आपको दो मिलेगा, तीन क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज टू आर डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव. आपको इन तीनों में से सिर्फ दो ही क्यों मिलेगा? सर एन एन डिवाइड होके टू एन फॉर्म करेगा सर, इसलिए. आपको इनमें से सिर्फ दो ही क्यों मिलेगा? भाई जीन्स कितने हैं सर? सर तो जब मेयोसिस में एन को डिवाइड होगा देन मेरा आंसर हो गया ना सर. जब एक बार आंसर बकवास कर लिया करो तो दोबारा उसको रिपीट मत करो. हाँ, आपके पास जीन्स कितने हैं? हाउ मेनी जीन्स यू हैव? थ्री. समझे कि नहीं? आपके पास तीन एलील्स हैं. एलील्स को भी जीन ही बोलते हैं. एलील्स का मतलब क्या होता है? एलेलिक जीन्स. समझ में आया? तो इसलिए आपके पास तीन जीन्स है. बाप माँ कितने हैं? अरे बापू माँ कितना है तुम्हारा? दो नहीं, ज्यादा होते हैं बट एक्चुअली बायोलॉजिकली टू होंगे. बिकॉज देर आर ओनली टू बायोलॉजिकल पेरेंट्स. समझ रहे हो? तो इसीलिए एक जीन एक पेरेंट देगा, दूसरा जीन दूसरा पेरेंट देगा. समझ में आया गाधे सुभाषिस पांडे? सो आउट ऑफ दीज थ्री एलील्स एनी टू आर अवेलेबल टू पर्संस बिकॉज देर आर ओनली टू बायोलॉजिकल पेरेंट्स. कोई शक? नाउ तो इसीलिए अब हम लोग एक पनेट स्क्वायर बनाएंगे. ये सब आपको टेंथ में आना चाहिए, ये सब आप पढ़ चुके हो जेनेटिक्स में. सो आपके पास तीन अलील्स है. ओके, तो आप पनेट स्क्वायर बनाना जानते हैं कि नहीं? तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना बनेगा पनेट स्क्वायर में? चार. 4/4. क्यों? क्योंकि पनेट स्क्वायर इज नंबर ऑफ गैमिट्स प्लस 1. ठीक है, तो इसीलिए आपका हर समय 4/4 पनेट स्क्वायर इधर बन रहा है. मैं तो इसलिए जानबूझ के आपको पहले से वीडियो भेज देता हूं कि आप देख लो, पर आप लोग देखते ही नहीं हो. आप लोग काजू किशमिश वीडियो देखते हो, तो वही गड़बड़ है और क्या. नीतू देखती है तो उसका भला हो जाता है, फिर उसको मैं स्पेशल नोट भी भेज देता हूँ, बट तुम लोग को ना नोट चाहिए ना देखते हो. चलिए, सो अब ये सपोज फादर के गैमिट्स हैं, ओके, एंड ये सपोज मदर के गैमिट्स हैं. क्लियर? तो ये आपका डायमंड बॉक्स कहलाता है. And what are the options we have? So this is, मैं A, B, O लिख दे रहा हूं. ठीक है, तो this is A, ये है B, ये है O. क्योंकि ना वो दिखना आसान होता है, वो I, A, I, B लिखना मुश्किल होता है इसमें.
ए बी ओ, उसी तरह से यहां भी हम लिखेंगे ए बी इधर ओ, कोई शक? सो दीज आर द क्या गैमीट्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या गैमीट लाइन. सो दिस इज कॉल्ड गैमीट लाइन. अंडरस्टूड? तो अगर आपने इवन जेनेटिक्स, मैंने आपको बोला था कि 10th क्लास का वीडियोस पढ़ा है केवीपीआई के, देख लो, बट आप लोग कुछ देख नहीं रहे हो. अब अगले साल स्कूल खुल जाएगा, ढूंढोगे तो भी देखने को नहीं मिलेगा ना, क्या बोल रहे हो नीतू? हाँ सर. तो हले, तो देख रहे हो, इसलिए आपने जब भगवान ने आपको दिया आपने फायदा नहीं उठाया, बाद में रोगे फिर भी नहीं मिलेगा. मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? चलो सही बोल रहे हैं. तो दिस इज द कंसेप्ट. अब हम लोग क्या करेंगे, शादी करेंगे एंड बच्चे बनाएंगे. तो अब ए मिलेगा ए से, है कि नहीं? एंड इधर ए मिलेगा पी से, इधर ए मिलेगा ओ से. सिमिलरली ये क्या होगा, ए बी से मिलेगा, फिर ये मिलेगा क्या बी बी से, फिर ये मिलेगा ओ से. बी ओ. मैं तो ये क्या होगा, ओए. ओए नहीं होता इडियट, हर समय डोमिनेंट को पहले लिखना चाहिए. ए ओ बी ओ ओ. अब हम फिनोटाइप बनाएंगे, तो फिनोटाइप बनाते समय हर समय स्ट्रेंथ ऑफ एलील्स देखेंगे. तो जब ए और ए है तो विच इज स्ट्रॉन्गर, ए, तो इसका फिनोटाइप होगा क्या, ये ए टाइप होगा. अंडरस्टैंड? इसका ब्लड ग्रुप ए टाइप है. इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, ए बी टाइप कोडोमिनेंट. इसका ब्लड क्या है, ए ए. इसी तरह ये हो जाएगा क्या, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, बी. ये होगा बी सी, सी नहीं, ये होगा ए ए बी बी ओ ओ. आया समझ? मैं तुम तो पढ़े दी थी तमन मिचो को उतला, तुम लोग आता है ये? चलो चलिए. तो अब इसमें एक यूनिक कंसेप्ट क्या है, तो दिस इज, ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. समझ रहे हो? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. क्यों? दोनों है, दोनों डोमिनेंट है, कोडोमिनेंस. अब सुनिए, एक्चुअली मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि ये होता क्या है. अब हम लोग लेंगे एक आरबीसी. सपोज ये हमारा एक आरबीसी है, ओके. सपोज ये हमारा एक आरबीसी है, ओके. उसी तरह ये हमारा एक और आरबीसी है, एंड उसी तरह ये हमारा एक और आरबीसी है, एंड इसमें हमारा एक और आरबीसी है. बोले बोले, तो इसके ऊपर कौन सा मार्कर होगा, बोलिए. ए, तो समझ रहे हो, इसके ऊपर सिर्फ कौन सा मार्कर होगा, ए. सो दिस इज ए. तो मैं, इसके ऊपर कौन सा मार्कर होगा, जितना ठो ए होगा उतना ठो बी होगा, ओके. जितना ए होगा उतना बी होगा. इसका मतलब क्या हो गया, इसमें दोनों है. अंडरस्टूड? इसमें क्या होगा, ओनली बी होगा, एंड इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ओके. देयर विल बी नथिंग. तो वहां ओ नहीं होगा, वहां
कुछ नहीं होगा, इसका मतलब ना तो ए होगा और ना ही बी होगा, कोई शक? ओके, सो इसमें आप लिखेंगे क्या? सो इन दिस केस क्या होता है? इन दिस केस डैश नंबर ऑफ जीनोटाइप्स एंड डैश नंबर ऑफ फिनोटाइप्स आर प्रोड्यूस। तो बोलो कितना जीनोटाइप कितना फिनोटाइप? छह जीनोटाइप्स फोर फिनोटाइप्स। छह जीनोटाइप फोर फिनोटाइप। छह जीनोटाइप्स एंड फोर फिनोटाइप्स। हाउ सर? छह होंगे, एक ए ए ए ओ बी बी ए ए ओ इज ए ए बी ए बी 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 ओ बी ओ बी इज बी ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू ए बी ए बी And O equals to O. तो समझ रहे हो? तो ये चार जीनोटाइप हो गए, ये दो फिनोटाइप हो गए। कोई शक? So अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन। मैंने बीच में आपको कोशिश किया कि आप टेलीग्राम टेस्ट कर दूं, बट आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो वो कैंसिल हो गया आपका। तो वैसे सर भाग्यश्री ने लिखा था लास्ट को कि न्यू ईयर से पहले कर दीजिए सर, लेकिन आपने एक आदमी के लिखने से कुछ नहीं होता ना, वो उसको आप तो जानते हो कि नंबर गेम है। मैंने भी कहा था आपसे 42 लोग बोलेंगे तो होगा। ओके चलिए, सो ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन हम लोग करेंगे, मतलब कौन किसको ब्लड दे सकता है एंड कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता। तो अब हम लोग इस तरह जब आप आदान प्रदान करेंगे तो आप क्या देखेंगे? ओके, तो इसलिए हम लोग एक टेबल वा बनाएंगे एंड उस टेबल में हम लोग क्या करेंगे बाबू? तो दुनिया ने मतलब भोगो खाई मिलना नहीं है, तो नानी ने मौना कर दिया, भोग नहीं ला दिया बोलना नानी ने। तो दाल खिचड़ी चाहिए। तो अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? एंटीजन On the RBC membrane, समझ रहे हो? तो X axis में हम क्या लेंगे? Antigen on RBC membrane and Y में क्या लेंगे? Antibodies या agglutinins in plasma, समझ रहे हो? तो एंटीबॉडीज किस में होगा? प्लाज्मा में होगा। कोई शक? अगर तुम लोग कोई शक का भी जवाब दे नहीं रहे हो, इसका मतलब आप बदतमीज हो रहे हो धीरे धीरे। नहीं सर, कोई शक नहीं है। तो आपको बोलना चाहिए ना, इसका मतलब आप बदतमीज हो रहे हो धीरे धीरे, एंड आप जानते हो ना जेजेस बदतमीज लोग को कितना लाइक करता है। चलिए, तो इसीलिए आप हम लोग इसको आधा आधा कर देंगे। तो चार ब्लड ग्रुप्स है हमारे, ये बी, ये बी एंड एक्चुअली हमने गलत लिखा है, इसको यहां लिखना है, इसको यहां लिखना है। ओके, इधर क्या लिखेंगे? ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप एंड यहां हम लिखेंगे फीचर वार। ठीक है, दिस इज फीचर वा।
तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये ओके, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये बी। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? वो। ठीक है, तो ये हमारा कितना बढ़िया सजा सजा के आप लोग के लिए लिख रहा हूँ, बट आप लोग लाइक ही नहीं करते हो। सर बहुत लाइक करते हैं। फिर भी आप कालू को लाइक करते हो और कैसे होगा? सर कौन नहीं सर, सर मैंने 100 लाइक्स किया अभी तक। चलिए सर, तू ही अकेली है जो मेरे को लाइक करती है। नीतू ही अकेली है जो लाइक करती है। चलो तो अब इसमें कौन सा एंटीजन है बोलो? बी। एंटीजन कौन सा है? ए ए ए। इसमें कौन सा है? बी। इसमें कौन सा है? ए एंड बी। बोथ। इसमें कौन सा है? नहीं है। नहीं है। नहीं है। समय तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, नीचे जो है हम लोग क्या लिखेंगे, कौन सा एंटीबॉडी है। तो अगर आप ए को जानते हो तो किसको नहीं जानते? बी को नहीं जानते। तो इसलिए हमारे पास एंटीबी होगा, समझ रहे हो? एंटीबी। यस, तो उसके पास हमारे पास एंटीबी होगा। एंड उसके बाद इधर क्या होगा? एंटी ए। इसमें क्या होगा? नहीं होगा। Yeah. नहीं होगा। नहीं होगा। इधर इसका चिल्ला रहा है माइक। और इसका क्या होगा? बोथ एंटी ए एंड एंटी बी। Understood? तो अब हम लोग ब्लड ग्रुप ठीक है, we'll transfuse blood. तब हम लोग क्या करेंगे, ब्लड आदान प्रदान करेंगे। तो कौन किसको दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता? बिकॉज अगर दोगे तो मार देगा वो, समझ रहे हो? तो इफ यू गिव इट विल बी डिस्ट्रॉयड, तो इसलिए केयरफुल। जैसे मैं करा दिया था आपने मना किया। नो सर, आप कुछ नहीं करा है हमें। जी जी जी, ये तो मिथ्याम वादा है, ये तो प्योरली मिथ्याम वादा है। मैं नहीं बोलो, सिस्टम ने नहीं कराया, मैं कहां से करा दूंगा? तुम टाइम ही नहीं दोगे तो स्कूल में छुट्टी रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो अब तुम मजे लो। तो ये आपका है क्या, फीचर्स, एंड इधर हम लोग लिखेंगे ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो अब ये क्या है, इधर लिखेंगे कैन गिव टू। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे कैन गिव टू, इसमें क्या लिखेंगे, कैन फ्रॉम फ्रॉम, बोले बोले। तो आप इधर हम ब्लड ग्रुप्स लिखेंगे, तो ए ए ब्लड ग्रुप, फिर बी ब्लड ग्रुप, फिर ए बी ब्लड ग्रुप, फिर वो ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा अलग अलग ब्लड ग्रुप्स है। तो अब बताइए हम किस किस को दे सकते हैं एंड किस किस से ले सकते हैं। चलिए तो अब बताइए, इसको सोच के बताना पड़ेगा आपको। तो ए जो है वो किस किस से ले सकता है? ओ और ए से।
और ए बी ए और ए बी दे सकता है ए और ए बी को हेलो ए और ए बी ए और ए बी एंड कैन टेक फ्रॉम ओ एंड ए ए बी ए बी ओ ए बी ओ एंड बी ओ बी दिस कैन गिव टू ए बी ए बी ए बी ओनली ए बी एंड कैन टेक फ्रॉम ए बी ओ ए बी ओ बी A can give to all. A B all. A B A B. And can take from O. हो गया. तो ये है हमारा concept. तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? Universal acceptor. Universal recipient. Recipient. And इसको O को क्या बोलते हैं? Universal donor. Universal donor. चलिए. तो ये आपका हो गया क्या? This is the blood group donation. चलो कितना बढ़िया बढ़िया स्क्रीन फोटो बना के आपके लिए बना दे रहा हूँ. अब हम लोग ब्लड ग्रुप टेस्टिंग करेंगे. एक किसका माइक गेंगे और उसको बंद करो. तो ये है नेम. ओके नेम ये इसमें हमने एंटी ए डाला. उसके बाद हमने एंटी बी डाला.